एम्स भोपाल के दंत चिकित्सा विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल राय ने एक ऐसा ब्रश बनाया है जिसकी मदद से मसूड़ों का मसाज किया जाएगा। अंशुल ने लोकल 18 से बात करके इस ब्रश की विशेषताओं के बारे में बताया। इस ब्रश को जल्द ही अंशुल मार्केट में भी लॉन्च करने वाले हैं, जो कि आम जनता के लिए काफी कम शुल्क में मिल जाएगा। इस ब्रश को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और औद्योगिक नीति द्वारा कॉपीराइट भी मिल चुका है। यह विश्व का पहला गम मसाजिंग ब्रश होने वाला है। ब्रश को बिना प्लास्टिक के उपयोग से बनाया जाएगा। इसमें लौकी से बना हुआ लूफा और नीम की लकड़ी का उपयोग किया जाएगा। ब्रश की मदद से मुंह से आने वाली बदबू को कम किया जा सकेगा, साथ ही कमजोर दांत पर भी यह ब्रश काफी कारगर होगा। तो चलिए अंशुल जी से बात करके ही जानते हैं इस ब्रश के बारे में। नमस्कार अंशुल जी, जैसे अभी आपने एक ब्रश बनाया है जो कि मसाजिंग ब्रश है, तो ये किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, WHO ने ये प्रूव किया है कि जो डेंटल डिजीजेस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन इन इंडिया, उसमें गम्स रिलेटेड जो डिजीज होती हैं वहीं से गम्स की प्रॉब्लम चालू होती है। आप ये देखेंगे कि बहुत सारी पॉपुलेशंस में वो लोग कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि हमारे मुंह से दुर्गंध आ रही है, या हमारे गम्स से ब्लीडिंग हो रही है, या हमारे मसूड़े सूजन हो रहे हैं, या हमारे मसूड़े चीब रहे हैं। तो अभी भी जितने कमर्शियली अवेलेबल जो ब्रशेस हैं, आपने भी सुना होगा, वो सब टीथ ब्रश हैं, टूथ ब्रश हैं, कोई भी गम की मसाज की ब्रश नहीं है। जैसे कि हम अपने चेहरे की मसाज करते हैं, बालों में तेल लगा के बालों की मसाज करते हैं, या बॉडी मसाज करते हैं, ये मसाजेस होती है टोनिंग के लिए। लेकिन गम्स की मसाज के लिए कोई भी ब्रश कमर्शियली अवेलेबल नहीं था। इसका फायदा यह है कि जब हम गम्स की मसाजिंग करते हैं तो एंड ऑर्गन होते हैं हमारे गम्स, तो जैसे ही हम उसकी मसाज रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, उनकी टोनिंग बढ़ जाती है, और उनकी जो ग्रिप होती है दांतों के बीच में वो स्ट्रांग बनी रहती है, जिससे वहाँ फूड लॉजमेंट या खाना नहीं फंसता है, और जिसके कारण से कैविटीज नहीं होती। और खाना नहीं फंसेगा तो दांत लूज भी नहीं होंगे, आपको कैविटीज भी नहीं होंगी, और बोन लॉस भी नहीं होगा। तो इसका फायदे गम्स की डिसीजेस को दूर करने में बहुत ज़्यादा है जी। तो जैसे ये ब्रश जो आपने बताया गम मसाजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये अगर आम लोगों को खरीदना हो या फिर आम लोगों को इसकी जरूरत, किस प्रकार से पता चलेगी कि किसको कब खरीदने की जरूरत है और ये कहाँ से अवेलेबल हो सकता है? देखिए, इसका इंडिकेशन तो डॉक्टर की सलाह पे ही करना है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रही है हल्की फुल्की, या आपके मसूड़े सूज रहे हैं, या आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है, या आपको लगता है कि आपको खटाई खाने पे या बैंगन वगैरह खाने पे चीवन होती है, तो गम्स की आपको हेल्दी करने की जरूरत, तो आप इजीली ले सकते हैं। जो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके तहत हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से कॉपीराइट मिला है। अब एक बार ये मार्केट में आ जाएगा, कोई भी इजीली इसको खरीद सकता है। ये ब्रश जो है नीम की वुडन से और लोफा से बना हुआ है, लौकी का या तुरई का, या आपने लूफा सुना होगा, देखा होगा, उससे बना है। तो ये बायोडिग्रेडेबल भी रहेगा, इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा, और इसकी कॉस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कीमत में ये हर छोटे से छोटे व्यक्ति के पास, बड़े से लेकर छोटे गाँव तक, ये बहुत ही कम या मिनिमल कॉस्ट में पहुँचाया जा सके जी। तो जैसे मार्केट में अभी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट आए हुए हैं जैसे जो सेंसिटिव दांतों और गम्स के लिए काम करते हैं, तो इससे किस प्रकार ये ब्रश अलग होगा? क्या इस ब्रश में टूथपेस्ट की इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं, देखिए, टूथपेस्ट तो उनके कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। जैसे नॉर्मल टूथपेस्ट होता है या सेंसिटिविटी वाले टीथ के लिए अलग पेस्ट होता है, तो ये तो ब्रश है। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ टूथपेस्ट इन दिस पर्टिकुलर ब्रश, कोई भी पेस्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये गम मसाज के लिए है, तो मसाज के लिए जो अलग कंपोनेंट आते हैं वो डिपेंड करेगा कि किसको बीमारी कितनी ज्यादा है, तो क्या उसको ट्यूब लगा के ब्रश करना है, गम की मसाज करना है, या विदाउट ट्यूब या विदाउट मेडिकेटेड ट्यूब लगा के आपको मसाज करना है। अभी तो हमने इसको विदाउट मेडिकेशन पे रखा है, ये केवल जस्ट जैसे हम हेयर ऑयल लगा के सिर की मसाज करते हैं, ऐसी हमने केवल गम की मसाज के लिए विदाउट एनी ऑइंटमेंट और पेस्ट इसको रखा है, जो कि ब्लड सप्लाई गम्स की बढ़ाएगा और गम्स को हेल्दी रखेगा। जिन लोगों के पे भी, जैसे मैंने बताया कि ये सारे बनाने के बाद, इसकी डिस्कवरी के बाद, पहले उसको हमने खुद अपने ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर, या किसी को गम्स की डिजीज है उनमें, उनको दिया हमने, तो उनकी डेंटल विजिट्स कम हो गई, उनको डेंटल की परेशानी कम हो गई। तो ये अभी तो विदाउट मेडिकेशन यूज करने के लिए है
जी, तो जैसे ये गम मसाजिंग ब्रश है, तो इसका आपको आइडिया कैसे आया कि गम को भी स्वस्थ रखने के लिए ब्रश बनाया जा सकता है? देखिए, अभी आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 सालों से जो हमारे डायरेक्टर सर अजय सिंह सर ने इतनी मेहनत यहाँ पे हमारे एम्स में की है कि ऑलमोस्ट ओपीडी डबल हो गई है। जब पेशेंट्स इतने सारे हमारे डेंटल ओपीडी में भी 200+ पेशेंट्स आते हैं, तो जब इतने पेशेंट्स आए तो हमने देखा कि लोग माउथ में बैड स्मेल, फाउल स्मेल या ब्लीडिंग गम्स या गम्स में सूजन को लेके पेशेंट्स बहुत सारे बढ़ गए। ये पेशेंट करते करते ही हमारे दिमाग में आया कि हमें गम मसाजिंग के लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो गम मसाजिंग के लिए पहले हम फिंगर्स का यूज़ बोलते थे, लेकिन कई लोग दिन में फिंगर्स का यूज़ नहीं कर सकते या फिंगर्स गंदी होती हैं, किसी लोगों को अपने मुंह में अपना हाथ डालना ठीक नहीं लगता है। तो उसमें ऐसे करते करते और पेशेंट देखते देखते ये आइडिया आया कि हमें ये गम मसाज के लिए एक नया इन्वेंशन करना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड में कहीं पर भी अभी अवेलेबल कमर्शियली नहीं है। दिस इज इट्स फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेंशन इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। आप भी अगर सर्च करेंगे नेट पे तो आपको कहीं पे भी गम मसाज ब्रश नहीं मिलेगा हमारे अलावा। जी, तो जैसे ये ब्रश जो है ये कब तक मार्केट में आ जाएगा और कितने रुपए का मिलेगा? मैं मार्केट में बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करेंगे, मे बी अराउंड विद इन फ्यू मंथ्स, और हम कोशिश करेंगे कि ये 8-10 रुपए के अंदर सबको मिल सके। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।